हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट कोविड इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के बारे में, यानी कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उनमें अब इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के यानी सेक्सुअल वीकनेस के साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। देखा गया है कि जिन लोगों को आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल या 3 साल पहले कोविड हुआ था, उन्हें अब सेक्सुअल वीकनेस के साइंस एंड सिम्टम जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होने शुरू हो गए हैं। मतलब कि उनको सेक्सुअल वीकनेस के साइंस एंड सिम्टम जो है वो फील होने शुरू हो गए हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को कोविड के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग या सेक्सुअल वीकनेस हुई है, उसका मेन कारण एंडोथीलियल डिसफंक्शनिंग है। एंडोथीलियल डिसफंक्शनिंग को समझने के लिए आपको मैं बहुत नटशेल में समझा देता हूँ। हमारी शरीर के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर की लाइनिंग को एंडोथीलियम कहा जाता है, और जो सारी बॉडी के अंदर जो एंडोथीलियम प्रेजेंट है उसको एंडोथीलियल सिस्टम कहा जाता है। और एंडोथीलियल सिस्टम जो है ये हमारी बॉडीज़ के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मगर इनका एक सबसे बड़ा फंक्शन ये है, एंडोथीलियम एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। जिन लोगों का नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का मॉलिक्यूल जो है वो भरपूर मात्रा में या पूरी मात्रा में शरीर के अंदर निकल रहा है, ऐसे लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या कुछ तरह का कैंसर, ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत कम होती हैं। मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। जिन लोगों में ये नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा निकल रहा है वो दे पीपल आर वेरी हेल्दी पीपल, वो बहुत तंदुरुस्त लोग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड का इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या खून की नालियाँ हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि उनकी सिकुड़ना और फैलना, इसको कंट्रोल करने के साथ साथ जो पीनस के अंदर स्पंज मसल्स होते हैं उनके अंदर जो खाली स्पेसेस होती हैं जिनको हम सिनुसाइडल स्पेसेस बोलते हैं, उनको भी ये डायलेट करता है, उनको भी ये रिलैक्स करता है, उनको भी ये खोलता है ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भर सके। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, एक तो खून की नालियाँ हैं वो ज़्यादा फैलती नहीं है, ज़्यादा डायलेट नहीं होती, जिससे टारगेट ऑर्गन तक यानी पीनस तक जो ब्लड है वो पूरी तरह से नहीं पहुँचता। और दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होने के कारण जो स्पंज मसल्स हैं, जो हमारे पीनस के स्पंज मसल्स हैं, उनके जो सिनोसाइडल स्पेसेस हैं वो पूरी तरह से डायलेट नहीं करती, जिससे उनकी इरेक्शन जो है वो बराबर नहीं होती। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर आवर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो जिन लोगों को ये कोविड हो चुका है उन लोगों में ये एंडोथीलियम जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गई थी। मेन पैथोलॉजी जो थी कोविड में वो यही थी कि उन लोगों का जो एंडोथीलियम था वो डिस्टर्ब हो गया, वो इन्फ्लेम्ड हो गया, जिसकी वजह से उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनना या तो कम हो गया या बहुत कम हो गया या बहुत लोअर लेवल पर आ गया। तो जिसकी वजह से उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्सुअल वीकनेस के साइन एंड सिम्टम जो है वो फील होने शुरू हो गए हैं। आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार जिन लोगों में शिरा और धमनियों के विकार की वजह से शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं उनका बहुत ही सफल इलाज का जो प्रावधान जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसे पुरुषों का आप गुण, दोष, धातु तथा प्रकृति के अनुसार उनको प्रॉपरली डायग्नोज करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को पोस्ट कोविड इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है या सेक्सुअल वीकनेस हो गई है उन लोगों का आयुर्वेद में एक बहुत ही सफल आयुर्वेदिक इलाज जो है उसका प्रावधान जो है वो हमारे चरक संहिता में है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी क्वालिफाइड वैद्य, हकीम या डॉक्टर से सलाह करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे से भी इसके बारे में पूरी सलाह लेके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मुझे आशा है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामय।